नमस्कार, मेरा नाम अरुण कुमार है। मैं एक फ्रीलांस साइबर सिक्योरिटी प्रैक्टिशनर हूं और मैं आपके साथ PGDCS प्रोग्राम में जुड़ा हूं। PGDCS कोर्स 1 में फंडामेंटल्स ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के अंतर्गत आज हम ई कॉमर्स के बारे में पढ़ेंगे। हम समझेंगे ई कॉमर्स क्या होता है, इसमें कौन सा टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, इसके वेरियस मॉडल्स ई कॉमर्स के, और ई पेमेंट कैसे होता है। अगर मैं एक बुकिश डेफिनेशन की बात करूं, तो ई कॉमर्स को डिफाइन किया गया है बीकमैन सर ने एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, और ई कॉमर्स इज द प्रोसेस ऑफ शेयरिंग बिजनेस इंफॉर्मेशन, मेंटेनिंग बिजनेस रिलेशनशिप्स एंड कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स थ्रू द यूज़ ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस नेटवर्क्स। तो ये ई कॉमर्स की डेफिनेशन हुई। ई कॉमर्स यूज़ करने के एडवांटेजेस क्या होते हैं? सबसे पहला एडवांटेज, आप जो ढूंढना चाहते हैं, जो आप वेबसाइट पर, इंटरनेट पर जाकर देखना चाहते हैं, वो उसे ढूंढने में काफ़ी आसान करता है, उसको बहुत तेज़ करता है, उस प्रोसेस को बहुत ही जल्दी कर देता है। अगर आपकी दुकान, जो आप जो मार्केट में जिस दुकान पर जाते हैं वो दूर है, तो आप वो प्रोडक्ट घर पे ही सर्च करके, उसे समझ के दुकान तक जाने से पहले उसको देख सकते हैं। ये एक एडवांटेज हुआ। ई कॉमर्स का दूसरा एडवांटेज ये होता है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को, किसी भी आइटम को बहुत सारे वेंडर्स से ले सकते हैं, आपका वेंडर बेस बढ़ जाता है। अगर आपने वही प्रोडक्ट मार्केट से जाकर खरीदना चाहा, तो आपके पास मार्केट में जितनी दुकानें हैं, जितने सेलर हैं, जितने तरह के सेलर हैं, आप उनसे रिस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। ई कॉमर्स में यही बात नहीं होती, वेंडर्स ज़्यादा होते हैं, सेलर्स ज़्यादा होते हैं, और हाँ, कॉस्ट भी कम पड़ती है। ई कॉमर्स का अगला एडवांटेज ये है कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस है, जैसे कि इनवॉइस बनाना, बिलिंग करना, पेपर का यूज़ होना, इन सब का वो बचाव करता है, क्योंकि ई कॉमर्स में ई इनवॉइस होता है, ई बिलिंग होती है, तो ये पेपर के कंजम्पशन को भी काफ़ी हद तक कम कर देता है। आप अगर आशा करें और चाहें कि मार्केट में जाके आप एक शॉप खोलें, जहाँ पर आप अपनी सर्विसेज या प्रोडक्ट्स को दिखाएं और दुनिया आपसे सामान या कुछ सर्विसेज खरीदे, तो आप बाज़ार में, जिसको हम ब्रिक एंड मॉर्टर स्टोर भी कहते हैं, ईंट पत्थर की दुकान, उसको आप लगाएंगे तो आप उस दुकान तक सीमित हैं। जब तक आपके पास कस्टमर्स आ रहे हैं, आप दूसरों को सामान सप्लाई कर रहे हैं। वहीं अगर आप ये दुकान को ई कॉमर्स से जोड़ दें, तो आपकी जो क्षमता है, आप अपनी क्षमता से ज़्यादा बड़ा दिखते हैं, आपकी कैपेबिलिटी ई कॉमर्स पर ज़्यादा बड़ी दिखती है और आपकी मार्केट बढ़ती है। वहीं जहाँ आप ब्रिक एंड मोर्टार शॉप खोलेंगे, तो आप अपने लोकल मार्केट में रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे काफ़ी हद तक, और कुछ सालों में ही आप दूसरी मार्केट्स में जा पाएंगे। वहीं ई कॉमर्स में आपकी मार्केट की लिमिट नहीं है, आपके वेबसाइट को दुनिया में कोई भी व्यक्ति जो इंटरनेट से जुड़ा हो देख सकता है और आपसे प्रोडक्ट या सर्विस ऑर्डर कर सकता है। इसका अगला एडवांटेज ये है कि आप कस्टमर के सवालों और उनकी परेशानियों को जल्दी एड्रेस कर पाते हैं, उनकी बातों को समझ पाते हैं और जल्दी रिप्लाई कर पाते हैं, और ये रिप्लाई करने का तरीका बाकी तरीकों से सस्ता होता है। ब्रिक एंड मॉर्टर से कंपेयर करें तो अगर कस्टमर आपके पास आया, तो कस्टमर को भी आने के लिए कुछ चीज़ों को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जैसे कि वो या तो अपनी घर की गाड़ी से आएगा या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करेगा, वो आपकी दुकान तक पहुंचेगा और आप उसको अपना वक्त देंगे।
इन सब को अगर हम कंपेयर करें ई कॉमर्स से, तो ई कॉमर्स में कस्टमर क्वेरी हैंडलिंग चीप पड़ता है, और इससे जब आप किसी कस्टमर की परेशानी को जल्दी समझते हैं, उसका निवारण करते हैं, तो आपकी मार्केट में आपकी वैल्यू बढ़ती है और कस्टमर रिटेनिंग पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है। आइए कुछ बात करते हैं चैलेंजेस की जो कि ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ई कॉमर्स में एक महत्वपूर्ण चैलेंज, काफ़ी बड़ा चैलेंज ये है कि आपके पास डायरेक्ट रीच नहीं होती। देर इज एब्सेंस ऑफ डायरेक्ट रीच टू द कस्टमर। आप चाहें कि मैं किसी एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी को डायरेक्टली रीच करूं, जब मैं अपनी वेबसाइट ऑन करूं, उसको होस्ट करूं, तो मैं इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी को स्ट्रेट अवे आई शुड टच देम। ये थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि आपको ई कॉमर्स की, अपनी वेबसाइट की, अपने बिजनेस की, प्रोडक्ट की पब्लिसिटी करनी होती है, उनको जो आपका सेक्शन है, जिसको आप टारगेट कर रहे हैं, वहाँ तक आपकी बात पहुँचनी चाहिए, तभी वो आपकी वेबसाइट तक पहुँच पाएंगे। इसका दूसरा एक चैलेंज है कि कस्टमर्स को कई बार वोयरिस्टिक जो प्लेजर मिलता है, वोयरिस्टिक मतलब जो उनको घर से बाहर निकलने में, मार्केट घूमने में, अपने कुछ जानकार लोगों से मिलने में, मार्केट घूमते वक्त जो खुशी महसूस होती है, और जो सोशल इंटरेक्शन उनका बढ़ता है, और जो फिजिकली वो एक प्रोडक्ट को बकायदा अपनी आंखों से देख पाते हैं, वो ई कॉमर्स में मिसिंग है। एक और जो चैलेंज ई कॉमर्स में आता है वो है ऑनलाइन फ्रॉड का रिस्क, और कस्टमर्स को अपनी प्राइवेसी, अपने डेटा, अपने इंफॉर्मेशन के लिए जो रिस्क का आभास होता है, वो एक ई कॉमर्स का चैलेंज है। तो ये तो हुए चैलेंजेस। तो आगे बढ़ने से पहले, चैलेंजेस को और समझने से पहले, देखते हैं कि ई कॉमर्स के बिजनेस मॉडल्स क्या होते हैं। सबसे पहला बिजनेस मॉडल होता है B2C, यानी बिजनेस टू कंज्यूमर। अब बिजनेस टू कंज्यूमर के कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हैं ही। आज के ज़माने में आप देख रहे हैं Amazon.com, Amazon.in, Flipkart.com, ये सब बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल हैं। बिजनेस है और वो कंज्यूमर वहाँ जाता है और अपनी ज़रूरत की चीज़ें, प्रोडक्ट, सर्विसेज ले लेता है। दूसरा हुआ बिजनेस टू बिजनेस, जो कि अपने आप में एक काफ़ी पॉपुलर बिजनेस मॉडल है। हर बिजनेस को किसी दूसरे बिजनेस से कुछ सामान, कुछ ज़रूरतें, कुछ सर्विसेज, प्रोडक्ट्स खरीदने की आवश्यकता ज़रूर पड़ती है। उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इंडियन एग्जाम्पल है Power2SME.com, Alibaba.com, IndiaMart.com। इंडिया मार्ट से एज अ कंज्यूमर आप खरीद सकते हैं, और वहीं एज अ बिजनेस भी आप बल्क ऑर्डर कर सकते हैं। यहाँ पर बहुत लोगों की लिस्टिंग होती है, बहुत बिजनेसेस की लिस्टिंग होती है, तो लोग यहाँ जाकर अपनी ज़रूरतें सर्च करते हैं। इंडिया मार्ट पे नहीं, तीनों ही वेबसाइट जो मैंने बताई, Power2SME, अलीबाबा, इंडिया मार्ट। तो ये एक बिजनेस टू बिजनेस मॉडल हुआ। फिर एक बिजनेस मॉडल आता है, उसे कहते हैं C2B, कस्टमर टू बिजनेस। तो ये थोड़ा अलग है, हो सकता है कि कस्टमर टू बिजनेस मॉडल B2B में भी हो और B2C में भी हो, बल्कि अगर C2B मॉडल को, कस्टमर टू बिजनेस मॉडल को अलग से देखा जाए, तो इसमें एक बात आती है कि जो कस्टमर्स प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं बाकी कस्टमर्स के लिए, उनकी जानकारी को बढ़ाने के लिए, वो कस्टमर्स उन रिव्यूज़ के थ्रू प्रोडक्ट का प्रचार भी कर सकते हैं। तो ऐसे कस्टमर्स को जो प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं बेहतरीन तरीके से, जेन्युइन तरीके से, उनको बिजनेस एंटिटी अप्रोच करती है, उन्हें अपना प्रोडक्ट यूज़ करने को देती है। ऐसे कस्टमर्स प्रोडक्ट को रिव्यू करते हैं, उनको यूज़ करते हैं, और अच्छा बुरा जैसा है, जेन्युइन, वो उसका रिव्यू बाकी कस्टमर्स और बाकी लोगों के साथ ऑनलाइन शेयर करते हैं। तो ये एक एक बिजनेस मॉडल C2B हुआ।
अभी इसमें एक और बात है कि एक एफिलिएटेड रेवेन्यू, जब आप सोचिए कि आपका एक वेबसाइट है जहाँ पे आप ब्लॉग लिख रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं, आप जीवन के बारे में लिखते हैं या आप अपने पोएम्स लिखते हैं या आप अपने थॉट्स लिखते हैं, और वहाँ पर काफ़ी कस्टमर्स कह लीजिए, व्यूअर्स कह लीजिए, विजिटर्स कह लीजिए, आते हैं और आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ बिजनेसेस आपको अप्रोच करते हैं और कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट का एडवर्टाइजमेंट आप अपने वेबसाइट पे लगा लीजिए और हम आपको इसके बदले इतना पैसा देंगे। तो ये जैसा कि आप जानते होंगे, गूगल एडवर्ड्स इसका एक उदाहरण है, फेसबुक एड्स इसका एक उदाहरण है। तीसरा इसमें एक इम्पॉर्टेंट मैं पार्ट मानता हूँ, आजकल जो फ्रीलांस वेबसाइट्स चलती हैं, आप एज अ इंडिविजुअल वहाँ पर रजिस्टर कीजिए, आप एक वेबसाइट डेवलपर हैं, आप एक डिज़ाइनर हैं, आप वीडियो एडिटर हैं, तो आप ऐसी कुछ वेबसाइट्स पर जाकर अपने आप को रजिस्टर करके, हो सकता है कि वहाँ से कोई बिजनेस एंटिटी आपसे आपकी सर्विसेज को हायर करे, तो वो एक सी टू बिजनेस बी मॉडल हो गया। चौथा इसमें एक मॉडल होता है सी टू सी, जिसका बेहद ही खूबसूरत एग्जाम्पल आप देखें तो आजकल OLX और क्विकर या ebay.com, ये सी टू सी मॉडल हुए जहाँ पर कस्टमर अपना प्रोडक्ट लिस्टिंग करता है और उससे कस्टमर ही खरीद लेता है। तो ये मॉडल हुए ई कॉमर्स के। इन मॉडल्स के बाद हम देखते हैं कि क्या इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ती है जब आप ई कॉमर्स रोल आउट करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ई कॉमर्स एप्लीकेशन होनी चाहिए, एप्लीकेशंस यानी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बाज़ार में कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं जो ई कॉमर्स ट्रेड को फैसिलिटेट करते हैं और उनको सरल बनाते हैं। दूसरा होता है बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर। बिजनेस सर्विस इंफ्रास्ट्रक्चर का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ई कॉमर्स भी एक बिजनेस मॉडल है, उसमें अलग अलग बिजनेस मॉडल हैं। तीसरा इलेक्ट्रॉनिक पब्लिशिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, आपके पास ऐसे मैकेनिज्म होने चाहिए जिसमें आप उसको इलेक्ट्रॉनिकली पब्लिश कर पाएँ। आप कल को एक वेबसाइट, एक ब्लॉग, एक बिजनेस वेबसाइट लॉन्च करें तो उसको पब्लिश करने का प्लेटफॉर्म होना चाहिए। चौथा बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है वो है मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे कि आज आज की डेट में आप देखिए, आपको हर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में बताया जाता है कि सेकंड फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि OTP, अगर मैं सीधा सीधा इसको सरल शब्दों में बताऊं कि OTP इनेबल कर लीजिए। आपके पास SMS आता है और आप उस OTP को एंटर करते हैं तो आपको ई कॉमर्स में आगे बढ़ने का चांस मिलता है। तो ये मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज ये एक सेकेंड फैक्टर है। इसमें जो SMS आता है, इट इज़ अपार्ट फ्रॉम, ये जो नॉर्मल आपका डेटा पैकेट है उस चैनल पे नहीं आता, ये सर्किट लेवल पे आता है, तो ट्रैक करना, हैक करना मुश्किल होता है। तो मैसेज डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अगला एक इम्पॉर्टेंट पार्ट ये है कि नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, कि आपके नेशन के पास इंफॉर्मेशन डिस्पर्सल इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में देखा है, हम भारत ने नेशनल ई गवर्नेंस प्लान लॉन्च किया हुआ है, हम आजकल डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के पार्ट हैं, तो नेशनल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंफ्रा। अब हम पेमेंट सिस्टम्स की बात करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र आप सभी ने यूज़ किया होगा, NEFT, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, एंड रियल टाइम ग्रॉस ट्रांसफ़र सिस्टम, IMPS, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, और जिसके ऊपर आजकल आधारित है UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप लॉन्च हुआ है। दूसरा है डिजिटल कैश,
डिजिटल कैश यानी जैसे कि मेट्रो कार्ड, फूड कोर्ट में आप जाते हैं वहाँ पे कार्ड बनते हैं, या प्रीपेड कार्ड जो होते हैं वो डिजिटल कैश होते हैं। ई कैश, पेटीएम एक तरह का ई कैश हुआ, फ्री चार्ज या मोबिक। क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक और पेमेंट सिस्टम है, मास्टर कार्ड, वीज़ा, भारत का रुपे क्रेडिट कार्ड का एक फॉर्म है। ई वॉलेट, ई वॉलेट का सबसे फेमस एग्जाम्पल है गूगल वॉलेट। ये आपके सभी तरह के जो कैश रिलेटेड या क्रेडिट रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स, कार्ड्स, ई कैश, डिजिटल कैश को एक जगह रखता है, कोलेक्ट्स ऑल योर डेबिट क्रेडिट कार्ड्स एंड ऑफर्स ऑल्सो इन वन प्लेस इज गूगल वॉलेट। एक एग्जाम्पल, पेपाल का अपना वॉलेट है। तो ये दो ऐसे एग्जाम्पल हैं। तो इस लेक्चर में हमने समझा कि इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ब्रॉड सेंस में कंप्यूटर नेटवर्क्स को यूज़ करना है और ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के बारे में है। ई कॉमर्स जो है आपके लिए कॉस्ट को रिड्यूस करता है, और उन लोगों के लिए जो अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं लेकिन पैसे के अभाव में सोच नहीं पाते, तो उनके लिए ये कॉस्ट रिड्यूसिंग फैक्टर है ई कॉमर्स। आप किसी वेबसाइट पर जाकर अपना प्रोडक्ट और सर्विस को लिस्ट कर सकते हैं, उसे लॉन्च कर सकते हैं। अब मॉडेस्ट इन्वेस्टमेंट, एक बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट के साथ आप एक पर्सनल कंप्यूटर खरीदिए, इंटरनेट कनेक्शन कीजिए और फिर आप अपना बिजनेस ऑनलाइन चालू कर सकते हैं। ये हमने समझा कि ये कितना आसान है ई कॉमर्स पर जाना। ई कॉमर्स इज बिल्ट ऑन टॉप ऑफ अ नंबर ऑफ डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़। बहुत तरह तरह की टेक्नोलॉजीज़ के ऊपर ई कॉमर्स बना है, जिसकी वजह से जिनकी टेक्नोलॉजीज़ की वजह से ये एक लेयर्ड है, लेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटीग्रेटेड है। यहाँ SMS भी इंटीग्रेटेड है, आपके वेब पेजेस भी इंटीग्रेटेड है, पेमेंट सिस्टम भी साथ में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स एप्लीकेशंस जो बाज़ार में हैं वो भी हैं। जब कॉमर्स जो है बिजनेस, माने तो बिजनेस जब इलेक्ट्रॉनिक जाता है, व्हेन इट गोज़ टू इलेक्ट्रॉनिक्स, द मीन्स ऑफ पेइंग फॉर गुड्स एंड सर्विसेज मस्ट ऑल्सो गो इलेक्ट्रॉनिक। तो आप अपना प्रोडक्ट और सर्विस तो ऑनलाइन लिस्ट कर सकते हैं, बट उसको खरीदने के लिए आपको पेमेंट सिस्टम्स को भी इलेक्ट्रॉनिक करना पड़ेगा। एनी मनी सिस्टम, रियल और इलेक्ट्रॉनिक, मस्ट हैव अ रीजनेबल लेवल ऑफ सिक्योरिटी एंड हाई लेवल ऑफ ऑथेंटिकेशन, अदरवाइज पीपल विल नॉट यूज़ इट। आप जैसे ही ई कॉमर्स में एंटर करते हैं, आपको सिक्योरिटी, ऑथेंटिकेशन, ये वाली बातें कस्टमर को बतानी पड़ेंगी, कस्टमर का कॉन्फिडेंस इन बातों में जगाना पड़ेगा, उसको रीअश्योर करना पड़ेगा, तो ही वो ई कॉमर्स में अपना टाइम दे पाएगा और आपकी प्रोडक्ट्स और सर्विसेज को यूज़ करेगा। आपको एज अ कंज्यूमर एंड एज अ ऑर्गेनाइजेशन ये अश्योर करना पड़ेगा कि आप जो ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं और एज अ बिजनेस जो आप ऑनलाइन ऑर्डर रिसीव कर रहे हैं वो प्रोटेक्टेड हैं। और जब कस्टमर आपको पैसे ट्रांसफ़र कर रहा है तो वो बहुत ही इलेक्ट्रॉनिकली सेफ तरीके से आप उसको यूज़ कर रहे हैं, उसको हैंडल कर रहे हैं, तो ये जो कॉन्फिडेंस है आपको कंज्यूमर को देना पड़ेगा। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमने समझी कि इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग से मेरा मतलब है आप कहीं जाएं और चेक काटें किसी बिजनेस को देने के लिए, और वहीं आप इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग, चेकिंग इन और चेकिंग आउट, जब आप वेबसाइट्स पे देखते हैं जब आप, वो कहता है कि प्लेसमेंट ऑफ ऑर्डर से पहले चेकआउट कीजिए, तो दैट इज़ इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग। वो बहुत ही फास्ट है, ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो बहुत इंस्टेंटेनियस हैं। आपने एक आइटम ऐड किया, आपने वहीं दो आइटम ऐड कर लिए, तो ये बहुत इंस्टेंट है। ये दुकानों पे नहीं होता है कि उतनी इंस्टेंटेनियस तरीके से, उतने स्प्लिट सेकेंड में मार्केट, बाजार, ईंट पत्थर, ब्रिक एंड मॉर्टर शॉप्स पे ये नहीं होता। तो इलेक्ट्रॉनिक चेकिंग इज़ वेरी फास्ट। डिजिटल कैश जो है उसको हम समझें तो नोट्स और कॉइन्स का वो एक पैरेलल इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है। तो डिजिटल कैश इज इक्वल टू नोट्स एंड कॉइन्स ऑफ फिजिकल
इम्पोर्टेंस, फिजिकल वैल्यू। इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगले लेक्चर में हम साइबर क्राइम के बारे में जानेंगे।